पहला पैरा लेते हैं हम, पैरा परिचय कि मनुष्य सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, मानव में से के लिए नहीं है। समाज का केंद्र मनुष्य है। मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है जो स्थितिवत्ता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मानव लक्ष्य जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, और इस लक्ष्य के अर्थ में मानवीयतापूर्ण आचरण। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकता का अध्ययन इसके लिए हर मानव उत्साही है। और यहाँ पे चार आयाम जो बता रहे हैं, अनुभव आयाम, विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम, और इसी की एक सूत्रता। और जो स्थितिवत्ता है ना, जो मानव है वो स्थितिवत्ता में स्थिति में वहन करने वाली इकाई। अगला पैराग्राफ लेते हैं, अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है, स्थितिवत्ता ही सत्यता है, जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता है, ज्ञान अवस्थित मानव में ही अध्ययन क्षमता की विपुलता दृष्टव्य है, जो विकास क्रम उपलब्धि है जिसका विश्लेषण हो चुका है। तो अगर इस पैराग्राफ की तरफ हम अगर देखते हैं तो अध्ययन किसका है ना और कौन करेगा, तो अध्ययन स्थितिवत्ता का ही है। स्थितिवत्ता में स्थिति जो वहन करने वाली इकाई, इन्हीं इकाई का अध्ययन है ना, यही स्थितिवत्ता ही सत्यता है। तो जो ये सत्यता है ना, ये स्थितिवत्ता जो है, स्थिति पे वहन करने वाली इकाइयां, ये सह अस्तित्व में मौलिकता को अभिव्यक्त करती है। इसलिए इसी कारण ये हम कह सकते हैं कि स्थितिवत्ता ही सत्यता है। और हर इकाई है ना इस अस्तित्व में नित्य वर्तते है, तो ये अस्तित्व में नित्य जो वर्तते है वही सत्यता है, यही वर्तमान है। और स्थितिवत्ता में क्या क्या चीज है, तो जड़ है, चैतन्य है, तो प्रकृति की जड़ चैतन्यात्मक दोनों स्थिति में वहन करने वाली इकाई है, और इसको अध्ययन करने वाला मानव ही है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो अस्तित्व में जितनी भी इकाई है, जड़ है, चैतन्य है, तो सभी ग्राही क्षमतावान है, पर सिर्फ मानव ग्राही और प्रदायी क्षमतावान है। और जब ग्राही और प्रदायी क्षमतावान है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मानव जो ज्ञान अवस्थित मानव है, ये अध्ययन क्षमता के विपुलता के साथ है, और यही विकास क्रम की उपलब्धि है जिसका विश्लेषण हो चुका है। आगे पढ़ते हैं, स्थितिशील प्रकृति, स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। स्थितिशील प्रकृति, स्थितिशील स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। स्थितिशीलता में ही वैविधता है जो प्रकृति की सीमा में है। स्थितिपूर्ण केवल सत्ता है, यह अस्तित्व पूर्ण है। इसी में अनुभव जागृत ज्ञान अवस्था सहज इकाई में होता है। स्थितिशील प्रकृति में परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता ही जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। यही क्षमता स्थितिवत्ता का अन्वेषण करने के लिए बाध्य करती है, साथ ही स्थितिपूर्ण में अनुभूति के लिए भी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में अगर देखते हैं तो पहले इकाई और सत्ता के बारे में बताया है ना, और फिर अनुभव और दर्शन इनके बारे में बताया। तो पहले जो इकाई और सत्ता के बारे में है ना, तो स्थितिशील प्रकृति, तो स्थिति गति में जो है ना, प्रकृति में चार अवस्थाएं, उसके साथ स्थितिपूर्ण सत्ता ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, प्रमाण सिद्ध है। तो अस्तित्व में प्रकृति में, अस्तित्व में प्रकृति और उसके साथ सत्ता, यही दोनों है ना, यही प्रत्यक्ष है, यही प्रमाण सिद्ध है।
जो स्थितिशील है, स्थितिशीलता में वैविधता है, तो स्थितिशीलता में वैविधता है में, तो यहाँ पे चार अवस्था है ना, वही प्रकृति की सीमा में है। जो स्थिति पूर्ण है वह केवल सत्ता है या अस्तित्व पूर्ण है, तो जो पूर्ण है जिसमें समग्र मात्रा समाई है वही पूर्ण है ना। और सत्ता जो है व्यापक और वो है निरपेक्ष ऊर्जा। तो स्थिति पूर्ण जो समग्र मात्रा इकाई है वही निरपेक्ष ऊर्जा है और वही व्यापक है। यह जो अस्तित्व पूर्ण है वही व्यापक है, वही सर्वदा है, वही सर्वत्र है, और इसी में अनुभव जागृत ज्ञान अवस्था सहज इकाई में होता है। तो बाबा जी कहते हैं कि जो अनुभव की वस्तु है, अनुभव वस्तु क्या है, स्थिति पूर्ण केवल सत्ता है, यही अस्तित्व पूर्ण है। मीन्स समग्र इकाई समाई हुई जिसमें ऊर्जा है और वही वही व्यापक है, वही सर्वत्र है, तो यही अनुभव की वस्तु है। इसी पैराग्राफ में दर्शन की बात की गई है। स्थितिशील प्रकृति में क्षमता है और वो क्षमतावश जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। तो यहाँ दर्शन कौन सी दर्शन है, तो स्थितिशील प्रकृति में परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता, तो यही क्षमता जागृत होकर दर्शन एवं प्रतिदर्शन क्रिया को प्रकट करती है। तो परस्परता, परस्परता हम देखते हैं कि सानिध्य, तो ये परस्परता का नाम ही है संबंध, है ना। तो इस जड़ के साथ अगर हम देखते हैं तो नियम नियंत्रण के साथ इस विधि से हम परस्परता देख पाते हैं। जीव के साथ, जीव अवस्था के साथ हम संतुलन की संतुलन विधि से हम परस्परता देख पाते हैं, और मानव के साथ हम इस परस्परता को न्याय, धर्म और सत्य के प्रकाश में देख पाते हैं। तो ये हो गया परस्परता। दूसरी है प्रभाव, तो जितना फैलाव है वही है प्रभाव, है ना। प्रभाव मीन्स मौलिकता, वही है पहचान। तो स्वभाव और धर्म को भाव कहा है, तो जितना हमारी मौलिकता है, जितनी हमारी पहचान है, वही हमारा प्रभाव है और वही क्षमता है। और ये जो हमारा प्रभाव है ना, इसके साथ हम निर्वाह करते हैं, तो जिसके साथ भी इसका निर्वाह हुआ है तो उनसे हमें मूल्य निर्वाह होता है, वही है प्रतिभाव ना। तो हमारा निर्वाह जिनसे भी हुआ है उनसे जो मूल्य निर्वाह होता है उसे कहते हैं प्रतिभाव। व्यंजना है संकेत ग्रहण क्रिया, तो वही है पात्रता। प्रतिव्यंजनात्मक है संप्रेषित कर पाना, वही है योग्यता। तो यही क्षमता वश ना, स्थितिशील प्रकृति का यही क्षमता जागृत होकर, क्या क्या क्षमता है, परस्परता, प्रभाव, प्रतिभाव, व्यंजना एवं प्रतिव्यंजनात्मक क्षमता, यही जागृत होकर दर्शन मीन्स हम समझ सकते हैं एवं प्रतिदर्शन मीन्स हम जी सकते हैं, है ना। समझना है ये, जीना है। तो प्रतिदर्शन मीन्स हम समझा भी सकते हैं, तो इन क्रिया को प्रकट करती है। तो दर्शन स्थितिशील प्रकृति, इसी को हम तो दर्शन कह सकते हैं। और प्रतिदर्शन जो है जिसमें हम जीना बोलते हैं, यही मानवतापूर्ण आचरण है। तो यही क्षमता मीन्स यही जो पास क्षमता बताई गई है, यही क्षमता स्थितिवत्ता को अन्वेषण करने के लिए बाध्य है। अन्वेषण क्या है, स्वयं को पहचानने के लिए, है ना। यही क्षमतावश हम स्वयं को पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं, तो बौद्धिक और भौतिक प्रयासों के साथ शोध पूर्वक हम स्वयं को जान सकते हैं। तो प्रकृति के साथ अस्तित्व दर्शन, मानवतापूर्ण आचरण और यही क्षमता से हम स्वयं को भी पहचान सकते हैं, जो है जीवन दर्शन और जीवन ज्ञान। तो ये दर्शन दर्शन हो गए, और साथ ही स्थिति पूर्ण में अनुभूति के लिए भी, तो इसमें अनुभवमूलक उपलब्धि भी होती है, और ये उपलब्धियां हमें स्थिति पूर्ण में होती, मीन्स हमें मीन्स यही बाबा जी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बाबा जी को हुआ है। आगे चलते हैं।
दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो दर्शन के बिना है ना, दर्शन के बिना प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं है। आगे चलते हैं, एक मिनट हम थोड़ा आगे चले गए। तो इसके पहले का पैराग्राफ है, दर्शन क्षमता प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में पाई जाती है। दर्शन क्षमता के गुणात्मक जागृति की अभिलाषा से शिक्षा एवं अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध है ना। तो बाबा जी हर वक्त कहते हैं है ना कि 51% मानव तो अच्छा ही है। तो दर्शन क्षमता इसी वर्ष दर्शन क्षमता हर मानव में किसी अंश में पाई जाती है और इसी दर्शन क्षमता वश गुणात्मक जागृति की अभिलाषा, तो अभिलाषा में सुखी होने की आशा यानी अपेक्षा है ना, हर मानव के पास सुखी होने की आशा है, वही अपेक्षा है, और इसके लिए शिक्षा और अध्ययन की अनिवार्यता सिद्ध हुई है। अगला पैराग्राफ लेते हैं, संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन, दर्शन ही ज्ञान एवं ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही सत्य है और सत्य अपरिणामी है, प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि संपूर्ण अध्ययन जो है वो स्थितिवत्ता का ही है, जो स्थिति में वहन करने वाली इकाई का ही है। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में ही देखा था कि तीनों दर्शन है ना, स्थितिशील प्रकृति में अस्तित्व दर्शन, फिर मानवीयता पूर्ण और जीवन ज्ञान, तो ये तीनों का दर्शन जो है वही अध्ययन की वस्तु है और यही ज्ञान है और इसी ज्ञान का अनुभव होना है। और ये जो अनुभव के बाद जो प्रमाण है, तो जो अनुभव प्रमाण उसी में प्रयोग प्रमाण और व्यवहार प्रमाण सिद्ध है, उसी में प्रमाणित है। तो प्रमाण के तीन बिंदु है, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण। आगे चलते हैं, दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो दर्शन के बिना प्रयोग और व्यवसाय सिद्ध नहीं है। आगे चलते हैं, अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वह केवल उत्पादन, व्यवसाय, व्यवहार एवं उसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है, जो दर्शन, ज्ञान और अनुभव ही है। तो अध्ययन के जो अध्ययन के लिए जो प्रत्यक्ष संभावना है वो उत्पादन, व्यवसाय, तो व्यवसाय को हम उत्पादन, उसके साथ विनिमय, उसके साथ सेवा, तो ये मिला कि व्यवसाय और व्यवहार और उसके, तो ये दोनों का मीन्स हमें व्यवसाय और व्यवहार, लेकिन इसके लिए समुचित क्षमता की सीमा में है। तो ये समुचित क्षमता कौन सी है, तो ये विचार है ना, विचाराभ्यास। तो विचाराभ्यास, तो विचाराभ्यास के अंतर्गत व्यवहाराभ्यास और उसके साथ व्यवसायाभ्यास और हम बोल सकते कर्माभ्यास, तो ये तीनों तीनों की संभावना है अध्ययन के लिए, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। हम आगे चलते हैं, विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की प्रत्यक्षानुभूति ही विश्लेषण है, जो स्थितिवत्ता व सत्य है। अस्तु, अध्ययन का फलन ही अनुभव है। अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि एवं व्यवहार कार्य में गलती अथवा अपराध भावी है। यहाँ है ना, अध्ययन के लिए वस्तु है ना कैसे दिखेगी ये बताया है। तो विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है। तो विश्लेषित स्वीकृत होना मीन्स जो जो हमें स्पष्ट किया, हमारे हमें जो जो स्पष्ट हुआ है, जो स्पष्ट किया गया है वही हमारे लिए अध्ययन है। तो जो स्पष्ट हुआ है, जो स्पष्ट किया गया है, यही अध्ययन है। और प्रत्यक्ष अनुभूति, तो वो कैसी रहेगी, वो कैसा दिखेगा, तो उसका है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो रूप मात्रात्मक, गुण गति हम बोल सकते हैं, उपयोगिता उसमें दिख सकती है,
स्वभाव यही है व्यवस्था में भागीदारी, इसमें हम पूर्णता देख सकते हैं। और धर्म जो व्यवस्था है ना, तो इसी यही है प्रत्यक्ष है ना, और इसकी ही अनुभूति और यही विश्लेषण है। विश्लेषण अगर हम परिभाषित करते हैं तो परिभाषा है वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्यता का उद्घाटन। वस्तुगत है रूप गुण स्वभाव धर्म, वस्तु स्थिति है देश दिशा काल है ना। तो अगर हम जो है विश्लेषण है ये गति है, स्थिति में तुलन है, तो तुलन में अगर न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में ये जो प्रिय हित लाभ है ना, तो ये जो रूप गुण स्वभाव धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति है ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो वृत्ति संकेत ग्रहण करती है चित्त की, चित्त संकेत ग्रहण करते हैं बुद्धि की, और बुद्धि संकेत ग्रहण करते हैं आत्मा का, तो इसका विश्लेषण है ना, इसका साधन भाई जी ने जो जीवन क्रियाएं ली थी इसमें बहुत अच्छा लिया है। तो इसमें हम देख सकते कि हम कैसे वृत्ति के साथ आत्मा तक, और आत्मा से हम और मिस लौट के आ सकते हैं वृत्ति में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्याय धर्म सत्य के प्रकाश में ये हित लाभ कैसे हो सकता है। तो उस वीडियो में ये अच्छा हम देख सकते हैं। तो इसी अध्ययन का फलन अनुभव है ना। अनुभव विहीन प्रत्येक उत्पादन कार्य में त्रुटि, ये एरर है ना, त्रुटि में हम एरर बोल सकते हैं। व्यवहार कार्य में गलती अथवा अपराध भावी है। तो गलती हम बोल सकते हैं कि कार्य अथवा वस्तु संपादन में जो अपूर्णता है ना, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम वस्तु संपादित करते हैं उसमें जो अपूर्णता है, तो ये अपूर्णता किस लिए है, तो ये हम कह सकते हैं कि निपुणता और कुशलता इसमें ये अगर हमें समझ नहीं आती है तो इसके कारण अपूर्णता है, और इसके कारण जो होता है व्यवहार कार्य में वो गलती है और अपराध है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, यही अपराध है। अगर अनुभव विहीन में जो भी हम उत्पादन, जो भी हमारा व्यवहार रहेगा उसमें गलती और अपराध होगा। आगे हम पढ़ते हैं, त्रुटि एवं अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है, है ना। यह प्रस्तुति तब तक रहेगी जब तक अध्ययन पूर्ण न हो जाए। प्रत्येक मानव में अध्ययन प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्पादन और व्यवहारिक अध्ययन को संतुलित रूप में संपन्न करना अनिवार्य है। तो ये जो त्रुटि और अपराध मानव की वांछित प्रस्तुति नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि 51% है ना, तो 51% मानव अच्छा ही है, वो अच्छा करना ही चाहता है, लेकिन गलती हो जाती है। तो ये गलतियां कब तक होगी, जब तक अध्ययन पूर्ण न हो जाए, और अध्ययन प्रवृत्ति हर मानव में है, और अध्ययन के बिंदु यहाँ पे हमें दिए हैं कि न्यायपूर्ण व्यवहार और उत्पादन के साथ, और यही मिस न्यायपूर्ण व्यवहार सामाजिक नियम के साथ, और उत्पादन जो है प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। और ये दोनों जो सामाजिक नियम प्राकृतिक नियम, ये भौतिक नियम, जो बौद्धिक नियम है उसके अंतर्गत। तो व्यवहार और जो उत्पादन, इनके मूल में जो है ये बौद्धिक नियम है। आगे पढ़ते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार और शिक्षा प्रत्यक्ष है। गुणात्मक स्थितिवत्ता की उपेक्षा ही अज्ञान, अभाव, असमर्थता एवं अक्षमता है। अज्ञानी को ज्ञानी, अभाव को भाव में, असमर्थ को समर्थ में, अक्षम को सक्षम में परिवर्तित परिमार्जित करने के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार व शिक्षा मानवीयता में प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। तो गुणात्मक परिवर्तन यानी कि परिमार्जित करने के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था है। और इस शिक्षा और व्यवस्था में क्या होगा, तो अज्ञानी ज्ञानी में, तो ज्ञानी मीन्स तीनों ज्ञान युक्त होगा। तो तीनों ज्ञान
में उस समझेगा और उसमें जिएगा। अभाव को भाव में, तो भाव क्या मूल्यमय कर लेगा, मूल्यमय होगा तो मूल्य से भर देना, यही शिक्षा का काम है। असमर्थ को समर्थ, तो समर्थ मीन्स पात्रता बढ़ाना, मीन्स जो योग्यता है, जो करने योग्य है वो बढ़ाना। और चौथा है अक्षम को सक्षम बनाना, तो असक्षम के लिए, इसके लिए शिक्षा को व्यवस्था है, और यही मानवीयता की सीमा में है। तो मानवीयता का जो अध्ययन है, मानवीयतापूर्ण आचरण, तो इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था। तो शिक्षा किसके लिए, और समझने के लिए, और व्यवस्था किसके लिए, तो प्रमाणित होने के लिए, और उसके बाद परंपरा के लिए। और यही सामाजिकता सर्वसुलभ होती है, तो बाबा जी ने इसके लिए 5 योजना सर्वसुलभ होने के लिए बताई है। जो 5 योजनाएं हैं, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय सुरक्षा। तो इसी अध्याय में हमने जो देखा सामाजिकता अध्ययन, तो अध्ययन वस्तु बताई है, अभ्यास के बिंदु बताए हैं, और हमारी क्षमताएं उसमें क्या हो सकता है, और ये सुगम करने हेतु शिक्षा व्यवस्था है।